अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं अस्मा डॉल जी। गाइस, काफी सारी गर्ल्स ने रिव्यू भी दिए हमारी स्किन पॉलिशेस पे। काफी सारी गर्ल्स को बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है क्योंकि उन्होंने सेम उसी मेथड से रिव्यू दिया है, उसी मेथड से स्किन पॉलिश बनाई है जिस मेथड से मैं स्किन पॉलिश बनाती हूँ, यानी कि पिंक पाउडर और गोल्ड पाउडर को मिक्स करके। ये आप लोग देख सकते हैं, पिंक पाउडर गोल्ड पाउडर को मिक्स करके और डबल क्वांटिटी में मैं डेवलपर ऐड करके उसके साथ हाइड्रा सीरम ऐड करके, ठीक है। सेम इसी तरह आज मेरे पास कुछ क्लाइंट आई थी तो मैंने सोचा कि मैं एक यूट्यूब के लिए ना एक लॉन्ग वीडियो बना लूँ और एक डेमो बना लूँ प्रॉपर वे में, क्योंकि काफ़ी सारी गर्ल्स कहती हैं कि हमें लॉन्ग डेमो चाहिए जिसमें आपने डिटेल से बताया हुआ कि आपने क्या क्या यूज़ किया और कैसे यूज़ किया, ठीक है। और ये देखें, आप लोग देख सकते हैं हमारा डेमो रेडी है इस टाइम, ठीक है। और जो हमारे पास क्लाइंट आई हैं हम आपको वो भी दिखा देते हैं। ये मेरे ऑफिस में ही बैठी हैं, ये आप लोग देख सकते हैं। कहाँ से आई हैं आप? मुल्तान से। मुल्तान से आई हैं? हाँ जी। किस ये टिकटॉक देख के सामने कहा कि हम भी जाके देखते हैं किस तरह रिजल्ट है। अच्छा, आप रिजल्ट देखने आई हैं, ठीक है। ये देखें, इन्होंने कहा है कि आप हमारी वीडियो भी बना लें लेकिन हमें रिजल्ट 100% चाहिए, ठीक है। और आप ये इनका फेस देख सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मैं इनके फेस पे, ये आपके सामने है, इनके फेस पे डेमो दूंगी। ये कंडीशन आप लोगों के सामने है। स्किन पॉलिश का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ मैल कुछ जेल उतारे, स्किन पॉलिश का मतलब ये होता है आपकी डेड स्किन को भी साथ रिपेयर करे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, जैसा हमारी ये स्किन पॉलिश है, इसमें आपको पता है कि पिंक पाउडर और गोल्ड पाउडर, जो गोल्ड पाउडर है वो वाइटनिंग के लिए है, जो पिंक पाउडर है वो आपकी स्किन को रिपेयर करता है, यानी कि रिपेयरिंग ट्रीटमेंट है। चले जी, आए ये देखें, ये मैंने इनके हाथों पे कुछ पैचेस बनाए हैं। काफ़ी ये लॉन्ग वीडियो ऐसे ही चलती रहेगी, ठीक है। और पैचेस में मैंने गोल्ड पाउडर और पिंक पाउडर दोनों मिक्स करके पेस्ट बनाया, जैसे मैं अक्सर डेमो देती आ रही हूँ, ठीक है। अब हम इनको रिमूव करने लगे हैं। विनिश, रिमूव कीजिएगा। ये आपके सामने रिमूव हो रही है। अच्छा, काफ़ी सारी गर्ल्स ये कहती हैं भाई पॉलिश तो सारी सेम होती हैं, सेम रिजल्ट होते हैं। बात यहाँ पे रिजल्ट की नहीं है कि पैचेस डाल देना, बात यहाँ पे है डेड स्किन को रिपेयर करना। एक मिनट, ये मैं आपको जूम करके दिखा रही हूँ। ये देखें कि यहाँ पे आपको डेड स्किन नज़र आ रही होगी, ठीक है। ये उसको कैसे इस स्किन पॉलिश ने रिपेयर किया है, ठीक है। इस स्किन पॉलिश में यही खासियत होता है, ये देखें, जो आपकी धूप से स्किन डेड हो जाती है, आपकी स्किन जो है बहुत ज़्यादा ब्लैक हो जाती है, ये उसको रिपेयर करती है। वाइट तो करती करती है, लेकिन इसमें जो मेन थिंग है ना वो साथ रिपेयरिंग ट्रीटमेंट है, इसमें साथ ऐड जो है वो रिपेयरिंग ट्रीटमेंट है। ये आप लोगों के सामने है। और ये देखें, ये कट ऐसे ही पड़े रहेंगे, ये आपके सामने रिमूव कर रही हैं। दूसरा पैच, और इसमें कोई केमिकल नहीं है कि ये फौरन आपकी स्किन को, ये ब्लीचिंग नहीं है कि फौरन आपकी स्किन को जो वाइट कर देता है बाद में इक्वल हो जाती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इस स्किन पॉलिश में रिपेयरिंग ट्रीटमेंट ऐड है वाइटनिंग के साथ, जो आपकी स्किन को रिपेयर करती है, डेड स्किन को रिमूव करती है। ये देखें, जैसे ये डेड स्किन थी उसको रिमूव किया है। अब ये रिजल्ट आपके सामने, ये हाथ को अच्छी तरह साफ कीजिएगा विनीश, ताकि कस्टमर्स को क्लियरली रिजल्ट नजर आ जाए हैंड को। अच्छा, आप ये दोनों हाथ साथ करके ऊपर करें, जरा नीचे 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 करें। ये आप लोग देख सकते हैं अब डिफरेंस के डेड स्किन। अब ये हमने कितनी देर पहले रिमूव किया है, आपके सामने है ना, रिमूव किया है। आप कोई भी ब्लीचिंग उठाएं, उसको करके देखें, वो फौरन सेम कलर में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। उसमें कभी भी किसी भी स्किन पॉलिश में या ब्लीच में जो आप यूज़ करेंगे उसमें ये चीज़ नहीं होगी कि आपकी डेड स्किन को रिपेयर करे। यहाँ पर ये देखें, इसको स्किन पॉलिश का, पहले तो मेरे पास इतना डिटेल में टाइम नहीं होता था कि मैं डिटेल में वीडियो बनाऊँ, लेकिन काफ़ी सारी गर्ल्स के फोर्स करने पर मैं ये वीडियो डिटेल में बना रही हूं, ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि इस स्किन पॉलिश में और बाकी स्किन पॉलिश में क्या फर्क है, ठीक है। मैं यहां कोई और स्किन पॉलिश यूज नहीं कर रही साथ, ना ही किसी स्किन पॉलिश के साथ अपनी स्किन पॉलिश को कंपेयर कर रही हूं। मैं सिर्फ इतना बताना चाहती हूं, इतना दिखाना चाहती हूं कि इस चीज में है क्या। इसमें ये देखें, आप
कि आप ये देखें ब्लीचिंग करते हैं, आपकी डेड स्किन जो होती है वो उतरना तो दूर की बात, आपका जो ओरिजिनल कलर होता है ना वो भी जल जाता है, ठीक है, जैसे कि इनके फेस पे आप देख सकते हैं, ठीक है। अब ये देखें नेक्स्ट वीडियो मेरी होगी इनके फेस के लिए, ठीक है, जो जिसमें मैं इनका फेस रिपेयर करूँगी। और ये देखें, ये आप देख सकते हैं कैसे डेड स्किन रिपेयर हुई है, ये मैं आपको बार बार दिखाती रहूंगी, इनफैक्ट ये मैं आपको 4 से 5 घंटे बाद भी मैं आपको ये पैचेस ऐसे ही दिखाऊंगी, या 1 दिन बाद भी मैं आपको ये पैचेस ऐसे ही दिखाऊंगी, ठीक है। और दूसरी बात, अब हम इनके रिमूव करने लगे, मैंने 2 टाइप्स की स्किन ली है, 1 टाइप की नहीं ली, 2 टाइप की स्किन ली है, ठीक है। अब रिमूव कीजिएगा बिनिश, ये आप लोग देख सकते हैं। डेमो देने के लिए तो मैं रोज पेज भर दूँ, रोज डेमो दे दूँ आप लोगों को, ताकि सिखा दूँ डिटेल्स में, आप लोगों को बता दूँ कि कौन सी चीज़ का क्या है। लेकिन आपको पता है सोशल मीडिया के सामने कोई बंदा भी नहीं आता, कोई बंदा भी नहीं आता। ये भी मैं इनके एहसान मंद हूँ, इनसे मैंने रिक्वेस्ट की है, ये पहले भी आती हैं, तो इन्होंने कहा कोई इशू नहीं है मैम, आप हमारी वीडियो बना लें, ठीक है, हमें कोई इशू नहीं है, हमें परमिशन है घर से, तभी मैं ये वीडियो बना रही हूँ, ठीक है। अब आप ये देखें, ये इनकी डेड स्किन रिपेयर हुई है, सबसे बड़ी बात। और आप ये देखें, जब आप ब्लीच करते हैं, ब्लीच से कभी भी आपकी स्किन पे शाइन नहीं आता, ये आप शाइन देख सकते हैं, ब्लीच से कभी भी आपकी स्किन पे शाइन नहीं आता, ये आप लोग देख सकते हैं रिजल्ट। और अगर ये स्किन पॉलिश फेमस हुई है, लोग इसको ज़्यादा ले रहे हैं, तो कोई वजह ज़रूर है कि लोग इसको क्यों यूज़ कर रहे हैं, और जो एक दफ़ा बाय कर रहा है वो बार बार बाय कर रहा है, वो इसी वजह से बाय कर रहे हैं, वो कहते हैं ये वाहिद स्किन पॉलिश है जिससे ना रेडिश होती है ना ही आपकी स्किन पे इचिंग होती है। मुझे बताएं, आपको ये स्किन पॉलिश लगा के इचिंग हुई है? नहीं। खुद बताएं क्लियरली, एक मिनट बताएं, इचिंग हुई है आपको? नहीं हुई? पता चला है कि आपने स्किन पॉलिश लगाई हुई है? अब मुझे बताएं कैसा रिजल्ट मिला है आपको? बहुत अच्छा। पहले कभी किसी प्रोडक्ट का ऐसा रिजल्ट मिला है आपको? खुद बताइएगा। ये आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे कोई फिल्टर नहीं है, बल्कि एक काम करो, रगड़ रगड़ के साफ करके दिखाओ, रगड़ो जरा थोड़ा सा, ये देखें भाई, ये बिनिश रगड़े चाड़ रही है, आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे कोई ऐसी एडिटिंग नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है। अब ये देखें उस हाथ को रिमूव किए कितनी देर हो गई है, आप लोग ये क्लियर पैचेस देख सकते हैं। लोग कहते हैं ना, पता नहीं ये बाद में सेम वैसे रिजल्ट हो जाता है, सेम वैसे कलर हो जाता है, ऐसी कोई बात भी नहीं है। इससे ये देखें आपकी कितनी डेड स्किन है, जो डेड स्किन है वो रिपेयर होती है, ठीक है, ये आपके सामने है। मैं आपको नेक्स्ट डे भी इनके हाथों के ऐसे ही पैचेस दिखा सकती हूँ, ठीक है, अगर ये कल मेरे पास आ गई तो, ठीक है, ये आपके सामने है रिजल्ट, ये आप लोग देख सकते हैं। मेन चीज जो है इसमें रिपेयरिंग ट्रीटमेंट ऐड है, कोई केमिकल नहीं है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इनफैक्ट काफी सारी गर्ल्स ने जो रिव्यू दिए हैं, छोटे छोटे बच्चों की स्किन्स पे रिव्यू दिए हैं, ठीक है। तो अगर ये देखें, किसी भी स्किन पॉलिश का पाउडर ज्यादा डल जाता है, आप लोगों को साइड इफेक्ट हो जाता है, लेकिन ये वाहिद स्किन पॉलिश है, अगर इसका पाउडर डल जाता है ज्यादा तो आपको कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, ठीक है। चलें जी, अब हम आपको बताते हैं आपने पॉलिश को बनाना कैसे है, ठीक है, जो मेन चीज है वो मैं आपको क्लियरली डिटेल से बता रही हूँ। वो आपने ये करना है कि जो गोल्ड पाउडर है 1/2 स्पून उसका लेना है, जो पिंक पाउडर है हमारा आपने 1 स्पून पिंक पाउडर का लेना है, क्योंकि पिंक पाउडर जो है हमारी स्किन को वाइटनिंग के साथ साथ रिपेयर करता है, ऑयल को कंट्रोल करता है। एक्नी वाले बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं, और यकीन करें काफी सारी गर्ल्स की स्किन जो है पिंक पाउडर से ठीक हुई है। तो आपने डेवलपर आपने यू नहीं करना, काफी सारे लोगों ने रिव्यू दिया हुआ था, उन्होंने क्या किया हुआ था, डेवलपर 1 चम्मच डाला हुआ था, जबकि मैंने पहले भी वीडियो में बताया, आप मेरे सारे डेमो उठा के देख ले, उसमें मैंने क्लियर बात की है कि आप लोग स्किन पॉलिश जब भी बनाएं, जितना पाउडर हो, सपोज 1 स्पून और 1/2 स्पून पाउडर है, तो आप उसमें 3 से 4 स्पून डेवलपर के ऐड करेंगे, जितना पाउडर होगा उससे डबल क्वांटिटी में आपने डेवलपर को ऐड करना है। आपने इसको ब्लीच के मेथड से नहीं बनाना, जैसे
आप लोग ब्लीच बनाते हैं कि सेम क्वांटिटी में पाउडर है और उतना ही डेवलपर डाल के मिक्स पेस्ट बना के लगा लेना, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इसके जो पाउडर्स हैं इसके पाउडर्स में रिपेयरिंग ट्रीटमेंट्स ऐड हैं। उन रिपेयरिंग ट्रीटमेंट्स में जब तक उसके ज़रात अच्छे से डेवलपर में मिक्स नहीं होंगे आपको वो रिजल्ट प्रॉपर नहीं देगा। और सेकंड, आप लोगों का थैंक यू सो मच, आप लोग आए, आप लोगों ने रिव्यू दिया। नेक्स्ट इनकी स्किन आप लोग देख रहे हैं स्किन पे, ठीक है, कैसे इन्होंने कोई ब्लीच की थी जिसकी वजह से ये साइड इफेक्ट्स हुए हैं, ठीक है। नाइट क्रीम्स, मिक्स फार्मूलाज क्रीम्स लगाई थी जिनको अभी मैं रिपेयर करूँगी हाइड्रा ट्रीटमेंट के साथ, और इसकी वीडियो भी मैं आप लोगों के साथ लाजमी शेयर करूँगी। तब तक अल्लाह हाफिज़, अपनी दुआओं में याद रखें।